हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 40 साइज़ में ब्लाउज़ की डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो देखिए, ब्लाउज़ की हमने कटिंग कर ली है, मेजरमेंट कुछ इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच है, हमने उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे नाप लगाया है। शोल्डर हमने 5.5 इंच लिए हैं, आर्म होल हमने 6 इंच लिया है। अब देखिए, यहाँ से आपको आपके चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, गले की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो 2.5 इंच ले रहे हैं और गले की जो लंबाई हम लेंगे वो 10 इंच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ से भी देखिए, हम गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे नीचे की तरफ से। अब यहाँ से इस तरीके से स्केल से आपको लाइन को सीधा कर लेना है। अब देखिए, इस तरीके से हम अपने गले का जो शेप है वो बनाएंगे। अब हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको आपको साइड में रखना है। और देखिए, अब इस पर हम इस तरीके से गोल्डन लेस लगा लेंगे। तो इनविजिबल पाइपिंग इसको बोलते हैं, इसको किस तरीके से लगाते हैं इसके वीडियो मैंने अलग से भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको पाइपिंग को लगा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से पूरे गले पे हमने पाइपिंग लगा ली है। अब आपको मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे। लेस हमारी जो लगी है वो नीचे की साइड रखेंगे हम। अब देखिए, जो लेस हमने स्टिच की थी उसी के ऊपर से आपको एक सिलाई और लगा लेना है। अब देखिए, नीचे कमर की तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमको कट करके निकाल लेना है। अब पूरे गले पे देखिए छोटे छोटे से कट लगा लेना है। कॉर्नर पे अच्छे से कट लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो फिनिशिंग से पलट जाए। देखिए, यहाँ से हमको हमारे ब्लाउज़ को पलट लेना है। अच्छे से पलट के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए, हमने हमारे ब्लाउज़ के ऊपर आयरन कर लिया है। तो देखिए, हमारी जो पाइपिंग है वो कितनी फिनिशिंग से लगती है इस तरीके से। अब हम चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेना है। अब हम अपने ब्लाउज़ में टेक्सटाइल के तैयार करेंगे। तो देखिए, बीच के सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है आपको ब्लाउज़ को और टेक्सटाइल के तैयार कर लेना है। अब हम हमारे ब्लाउज़ में जो डिज़ाइन बनानी है उसको तैयार करेंगे। तो देखिए, हमारे ब्लाउज़ में से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला था इस पर हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। आपको इस तरीके से इस पर डिज़ाइन बना लेना है। अब हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको कट कर लेना है। हल्का सा इसको शेप देंगे हम नीचे से इस तरीके से। ये जो नोक है इसको कट कर लेना है। अब देखिए, आपको कैनवास पेपर लेना है अपने डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये जो हमारा कैनवास पेपर है इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। उसके ऊपर ये हमारा डिज़ाइन वाला फैब्रिक रखेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर इस तरीके से पिन लगा लेना है। अब देखिए, यहाँ से हम बिल्कुल सेम पैटर्न ड्रॉ करेंगे और ऊपर और नीचे से हम सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और साइड से भी आपको सिर्फ सिलाई में जितना आप दबाएंगे उतना ही आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए, इसको हमको कट कर लेना है। अब देखिए, मेन फैब्रिक के ऊपर हम अपने पेपर को रखेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो देखिए, नीचे हमने बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो लिया है और इसके ऊपर हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक रखा है। अब इस तरीके से इस डिज़ाइन को रखेंगे और इसको दोनों साइड से स्टिच करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम स्टिच कर रहे हैं।
अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेना है आपको। अब हल्का हल्का सा कट लगा लेंगे हम। अब देखिए बीच से इसको पलट लेना है इस तरीके से, यहाँ से अच्छे से फिनिशिंग से हम इसको पलटेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको पलट लेना है। दूसरे वाले पार्ट को भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को साइड में रखेंगे और देखिए इस तरीके से आपको फैब्रिक लेना है एक, उसको इस तरीके से 2 इंच के लगभग में कट कर लेना है। अब देखिए इसको एक कॉर्नर से सिलाई लगा लेना है और इसको इस तरीके से पलट लेंगे हम। तो देखिए इस तरीके से इसको पूरा पलट लेना है। अब देखिए इसको 3 हिस्से में बिल्कुल बराबर इसको हम कट कर लेंगे। इस तरीके से 3 हिस्से में इसको फोल्ड करना है और बराबर में इसको कट कर लेना है। अब देखिए इसमें मोती लगाएंगे हम, बीच के सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसमें चुन्नटे डालकर हमको मोती लगा लेना है। इसी तरीके से दोनों फैब्रिक में भी हमको मोती लगा लेना है बीच के सेंटर में। तो देखिए हमने तीनों फैब्रिक पे मोती लगा के तैयार कर लिया है। अब आपको पेपर लेना है और पेपर के ऊपर इन डिज़ाइन को इस तरीके से स्टिच करना है। बिल्कुल बराबर रखते हुए हमको डिज़ाइन को स्टिच करना है इसमें। अब देखिए ये जो हमने डिज़ाइन बनाए थे उसको इस तरीके से रखना है, यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से अच्छे से सेट करना है आपको इस तरीके से। अब हम इसको स्टिच करेंगे, दोनों डिज़ाइन को बराबर रखते हुए अच्छे से स्टिच करना है आपको। अब देखिए इस डिज़ाइन को भी इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से सेट करके इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके पीछे जो पेपर लगा है उसको निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे, तो आप अपने पसंद की कोई भी लेस इस पर लगा सकते हैं। तो देखिए हम इस तरीके से ग्रीन कलर की लेस इस पर लगा रहे हैं। दूसरे साइड भी आपको इसी तरीके से लेस लगा लेना है। तो देखिए हमने इस पर लेस लगा के तैयार कर लिया है अपने डिज़ाइन को। अब देखिए ये जो हमारे ब्लाउज़ की मैचिंग की बॉर्डर है इसको हम नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पे इस तरीके से सीधे। तो देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करना है एक नीचे के साइड से और फोल्ड करते हुए अपने ब्लाउज़ में इसको हम लगाएंगे। बराबर रखते हुए आपको लगाना है। अब ऊपर की तरफ से भी बिल्कुल बराबर फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा बॉर्डर हमने लगा के तैयार कर लिया है। अब बॉर्डर के ऊपर और नीचे हम इस तरीके से लेस लगाएंगे। तो देखिए ऊपर और नीचे इस तरीके से हमको लेस लगा लेना है। अब देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको हमको बीच के सेंटर से रखते हुए स्टिच करना है। अच्छे से बीच से सेट करके आप इसको स्टिच कीजिए। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो गया है। आपको आज का ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।